हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो बात दरअसल यह है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मैं अहमदाबाद गया हुआ था और वहाँ पर मैंने महात्मा गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम का विजिट किया और वहाँ पर मैंने एक ब्लॉग बनाया था। वह ब्लॉग मैं आप लोग का शेयर करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा है। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं साबरमती आश्रम घूमने के लिए। तीन लोग हैं, एक लोग का सीट नहीं था तो उसको पीछे बैठा दिया डाले ने। आप देख सकते हैं पीछे। अब आगे हम अगर जाते नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेते। हाँ, इसलिए एडजस्ट कर लिए। इससे हम एडजस्ट कर रहे हैं, इससे हम आपको बताना चाहते हैं कि जिंदगी में एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। सीखो सीखो, आगे हम लोग इससे एडजस्ट किया जाता है। चलो बस बस, धन्यवाद। तो ये अभी आप देख रहे होंगे साबरमती आश्रम का मेन गेट है। जब भी आप साबरमती आश्रम आएंगे तो यह मेन गेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेन गेट से हम साबरमती आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करते ही हमें सामने सिक्योरिटी गार्ड कुछ एंट्री करने को कहता है। यहाँ एक फाइल रखी हुई जिसमें हम अपना डिटेल, नाम और नंबर एंट्री करते हैं और प्रस्थान करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि साबरमती के आश्रम के सामने ही महात्मा गांधी जी का पोस्टर लगा हुआ है और यह साबरमती आश्रम का मेन गेट है जहाँ से हम साबरमती आश्रम को देखना शुरू कर सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू आपको साबरमती आश्रम को देखने का मिलेगा। बहुत ही खुशनुमा और शांत माहौल है साबरमती आश्रम का। देखने में काफ़ी सुंदर व्यू आपको मिल रहा होगा यहाँ पर साबरमती आश्रम का। यहाँ बहुत ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यह संग्रहालय है साबरमती आश्रम की तरफ। इस तरफ पुस्तकालय है। चलिए हम पुस्तकालय को देखते हैं और पुस्तकालय को मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पुस्तकालय में क्या क्या मिलता है। तो यह पुस्तकालय का गेट है और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगे जो गांधी जी से संबंधित। अगर आपको गांधी जी के बारे में कुछ भी जानना समझना है तो आप यहाँ बहुत सी किताबें ले सकते हैं, जैसे गीता माता। बहुत सी किताबें हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये साबरमती आश्रम का लाइब्रेरी है जहाँ आप बहुत सी किताबें अपने मनपसंद ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का इच्छा है तो पढ़िए और नहीं लेने का इच्छा है तो पढ़ के रखिए, जैसी आपकी मन हो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं। हम तो यहाँ घूम रहे हैं बहुत, लेकिन हमें पसंद आई आ रही है फिर भी हम ले नहीं रहे क्योंकि हम पढ़ते नहीं किताबें। ठीक है, कुछ साथ में मेरे दोस्त भी हैं पीछे। आप दोस्तों कुछ हाय वाय कर दो यार हमारे सब्सक्राइबर को। ये तीनों मेरे साथ में काम करते हैं, हमारे कलीग हैं और हम इनका बॉस हैं। आगे हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या और देख सकते हैं। यह जो जगह है इसे हृदय कुंज कहा जाता है। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी इसी जगह पर रहते थे और यह गांधी जी की तस्वीर है और उसके नीचे एक प्रार्थना लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। और यह जो सामने का जो रूम आप देख रहे हैं इसे बैठक कुंज कहा जाता है। गांधी जी यहीं बैठ कर चरखा चलाया करते थे। यह गांधी जी का बैठक रूम है और गांधी जी यहीं बैठ के सारे मीटिंग वगैरह और जो भी आंदोलन आगे किया जाना है उसके लिए विचार विमर्श किया करते थे। कहा जाता है कि डांडी यात्रा की शुरुआत यहीं से की गई थी और यह बर्तन है जो उस समय यूज किया जाता था। यह कस्तूरबा गांधी जी का तस्वीर है और यह जो सामने का आप रूम देख रहे हैं यह रूम कस्तूरबा गांधी जी का है। कस्तूरबा गांधी जी यहीं पर रहती थी
फिलहाल इस रूम में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यह अभी भी जैसे का तस है। और यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड में वह पूरा डिटेल दिया गया है कि गांधी जी ने कब कब क्या क्या आंदोलन किया है। जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए हैं वह सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी मोहनदास से महात्मा कैसे बने थे वह पूरा डिटेल इस बोर्ड में दिया गया है, आप यहाँ आके से पढ़ सकते हैं। और यह जो नदी आप देख रहे हैं इसे साबरमती नदी कहते हैं। यह साबरमती आश्रम के ठीक सामने है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर व्यू मिलता है और सालों भर पानी से भरा रहता है। और देख सकते हैं आप कि इस आश्रम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ पर बहुत ही आपको शांति और रिलैक्स महसूस होगा। ये देखिए कितने सुंदर दृश्य है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।